महिला शौच करने के लिए खुला में जा रही है, लेटरिन नहीं है ना, लेटरिन में पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये नल लगा है लेकिन इसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है, बिना पानी के कैसे हाथ धुलते हैं ये तो अभी पता नहीं चला। हाँ, दूसरी चीज ये है, जब पैखाना करने के लिए 3 किलोमीटर आदमी जाएगा ताले हम लोग को धोती में पैखाना हो जाएगा। यहाँ कोई लाइन करता है 3-3 घंटा अंधेरा रहता है, महिला शौच करने के लिए खुला में जा रही है, लेटरिन नहीं है ना, लेटरिन में पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कहीं भी जाके देखिए। आदमी से पूछेंगे इनकी क्या शिकायत है, वैसे तो लोगों की शिकायतें जो हैं वो हैं बहुत ज्यादा ही हैं। आप क्या कह रहे थे पानी पीने के पानी को लेकर? पानी पीने का पानी हम लोग को नहीं मिल रहा है सर। दूसरी चीज ये है, जब पैखाना करने के लिए 3 किलोमीटर आदमी जाएगा ताले हम लोग को धोती में पैखाना हो जाएगा, ऐसा परिस्थिति आ गया इस बस स्टैंड में, समझे कि नहीं? ऐसे समय पे जब कहते हैं कि जल ही जीवन है और यहाँ पे जल ही नहीं है, तो जीवन की तो आप कल्पना खैर ना ही कीजिए तो बेहतर होगा। अब देखिए, लोगों से हमने सुन लिया, लोगों ने अपनी परेशानियां जो है वो बता दी है, लोगों की हमने सुन ली, लेकिन कहते हैं ना कि सबूतों के आधार पे भैया यहाँ फैसला होता है। अब देखिए, क्योंकि लोगों ने शौचालय का जो शौचालय की समस्या है वो तो बता दी है, आइए हम खुद देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आखिर उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। आप ये देखिए, ये एरो है, हम भी इस एरो को फॉलो करेंगे और जाएंगे कि देखेंगे कि क्या कुछ सच है। अब देखिए, यहाँ पे आ गए हैं हम लोग और ये रहा यहाँ का शौचालय, हम लोग देखेंगे। पहले देखिए गंदगी, देखिए कि किस तरीके से गंदगी पड़ी है यहाँ पे, और खैर अंदर भी जाके हम देखेंगे कि क्या कुछ फैसिलिटी है। ये रहा यहाँ का नल और इसको मैं ऑन कर रही हूँ, आप देखिए कैमरे की नजरों से कि इसको, ये नल लगा है लेकिन इसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है, बिना पानी के कैसे हाथ धुलते हैं ये तो अभी पता नहीं चला। अब देखिए गंदगी किस तरीके से है और क्या कुछ यहाँ का नजारा है, ये छुपा हुआ नहीं है इसका। आप ये एक और वॉशरूम है, ये भी देखिए, और यहाँ पे भी वही है, पानी फैला हुआ है, गंदगी है, और वहाँ पे बोर्ड लगाया कि सफाई में सहयोग करिए। भैया सफाई नहीं है तो सहयोग क्या करेंगे? आप स्थिति जो है वो खुद देख चुके हैं और ये हालत महिला शौचालय की है जो साफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि कई तरीके की और बीमारियां जो हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं, ये जो इनके लिए बनाया गया है वॉशरूम उसकी स्थिति ये है, और जो प्राइवेट है उसमें खैर ताले लगे हुए हैं। आगे हम देखेंगे कि आगे और क्या कुछ है यहाँ पे, क्योंकि लिखा है फैसिलिटीज जो हैं वो काफ़ी की गई हैं पर पानी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब लोगों ने जो कहा है बात उनकी सच है। और व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पानी का जिक्र हुआ है पर पानी कहाँ से लेना है, उसके लिए क्या फैसिलिटी है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एरो लगाया हुआ है और बोर्ड लगा दिया गया है कि आप आगे जाइए आपको पानी मिल जाएगा, पर ये वही बात हो गई कि आप ढूंढते रहिए और आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस वही चीज़ें, एरो लगा दिया गया पर चीज़ें यहाँ जो हैं वो नहीं है।